नमस्कार साथियों, ये हमारे साथ आज प्रतिमा जी बैठे हैं और इनकी गुड़िया है नैना। इनको प्रॉब्लम थी, कब से थी प्रतिमा जी इनको? पैदा होने के 1 साल बाद से, और कितने साल के हैं? छठ होने लगी, 6 साल की। 6 साल की। ये गुड़िया 6 साल की है जी, और प्रतिमा जी बता रहे हैं कि पैदा होने के 1 साल के बाद इनको ये प्रॉब्लम हो गई थी। इनको प्रॉब्लम क्या थी, इनको दिक्कत क्या थी, वो प्रतिमा जी से ही इनकी माता जी से पूछेंगे और क्या क्या परेशानियां इनको होती थी। मैं तो बहुत कुछ बात इनसे कर चुका हूं, इनको जो प्रॉब्लम थी उसके कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, कितना ये परेशान हुए हैं, मतलब कई बार तो जैसे फील्ड में जाते हैं ना, आंखें भी नम हो जाती हैं सुन के। और इनकी भी बताते हुए हो रही थी जो परेशानियां थी इनको, और वो कैसे ठीक हुई है, कौन कौन से प्रोडक्ट इन्होंने लिए हैं। इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है मेरा, वो मकसद एक ही है कि प्रतिमा जी जैसी बहुत सी माताएं हैं, बहुत सी माएं हैं जो अपने बच्चों को लेके बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत है, बहुत पैसे वो खर्च चुकी हैं, पता नहीं कितनी दवाइयां वो उनको दे चुकी हैं। जहां भी कोई बोलता है कि वहां जाने से आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, तो वो माँ वहीं लेके उसको चली जाती है। तो बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं, उन सब का सोल्यूशन यहां से हो सकता है। बस यही मकसद है मेरा इस वीडियो को बनाने पे। और अब प्रतिमा जी से ही बात करते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम थी प्रतिमा जी, आपने बताना है इसको, गुड़िया को क्या प्रॉब्लम आती थी? पहले तो सर से जुकाम होता था, तो जुकाम होने के बाद खांसी आने लग जाती थी, तो खांसी की दवाई मतलब बुखार वगैरह कहते थे ना डॉक्टर की, हाँ खांसी आ रही है वैसे ही जुकाम हो गया, तो जाके दवाई ले आती थी तो खांसी भी नहीं आराम आती थी, बहुत ज़्यादा खांसी करने लग जाती थी, खांसी करते करते उल्टी आने लगती थी, अच्छा उल्टी भी आने लग उल्टी जाती, भी आने लगती, जो सारे कफ होते थे ना सब निकलने लग जाते, ठीक है। तो मैं परेशान हो जाती थी, इतनी दवाई करने के बावजूद भी नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर मैं PGI गई, ठीक है। अच्छा तो उस डॉक्टर पहले गई थी तो उन्होंने रेफर किया वहाँ पे PGI। PGI भी गए हाँ आप? जी PGI गई थी, तो वहाँ बोले कि ऐसी ऐसी दिक्कत है इनको, तो वहीं से फिर दवाई चली, 2-3 महीने दवाई चली। PGI से? हाँ जी PGI चली, तो ठीक है जी। फिर जब से लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन की वजह से फिर वैसी दवाई छोड़ ली, इनहेलर था उससे देती रही मैं, ठीक है जी। तो देते देते फिर उससे भी नहीं आराम आता था, तो मैं और परेशान हो जाती थी, तो फिर जहाँ जहाँ बताते थे कि हाँ वहाँ चले जाओ डॉक्टर के पास, वो ठीक कर देंगे आपको, ऐसे ऐसे दवाई दे देंगे, मैं फिर तो उस पर जाने लगी, तो वो भी कहने लगे कि हाँ ठीक हो जाएगी, 10 साल बाद आपकी गुड़िया ठीक हो जाएगी, तो वहाँ से दवाई चलाई थी, 3 महीने पहले ली थी मैंने दवाई, ठीक है। तो जब से अब ठीक है, अब थोड़ा खेलने में भी ज़्यादा अच्छा कोई दिक्कत नहीं होती अब उसको। ठीक है, मतलब है। तो ये जो क्या क्या दिया था ये इनको, यही 3 प्रोडक्ट दिए ना इसको गुड़िया को? हाँ जी ये दिए एक इनको कफनील दिया है जी, दूसरा है लिव अगेन, लिवर के लिए। लिव अगेन इनको इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयां खा चुके थे, तो उसका इफेक्ट लीवर पे बहुत आता है। और एक इनको क्वच प्रास दिया है ऑन एंड ऑन का। तो इन 3 प्रोडक्टों से अब कितना आराम है इनको? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। अब खेलती है, खेलती भी है बोलती भी है, इनहेलर देते हैं अभी भी? पहले हाँ वो 2 टाइम देती हूँ मैं, पिंक से कलर का कम? है तो वो देती हूँ, पहले कितने टाइम देते थे? पहले भी 2 ही टाइम देना था, तो दो दो पफ देना था, ओके। एक एक देती हूँ, पहले दो 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 टाइम दो दो बार देना था, हाँ अब एक ही टाइम एक एक बार देते एक हो, एक बार ठीक है ना? देती पहले हूँ, जो इनको इनहेलर है उसकी जो डोज थी, मतलब 2 टाइम पंप उसका प्रेस करना पड़ता था, 2 पंप देने पड़ते थे एक टाइम में, अभी एक पंप हो गया है। और भगवान ने चाहा तो मतलब 1-1.5 महीने में ये भी बंद हो जाएगा। तो आप क्या कहते हो प्रतिमा जी, मतलब लोगों को ये जैसे आपका तो अनुभव रहा बीमारी को लेके, कि लोगों को ये इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? मैं तो यही कहूंगी कि मेरी गुड़िया ठीक हो गई है तो कोई भी ठीक हो सकता है, तो इनका यही कहना है जी, इनकी गुड़िया ठीक हुई है तो कोई भी ठीक हो सकता है, जिसको कोई भी मतलब किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है। देखिए 6 साल की बीमारी को टाइम तो लगता है, 6 महीने तो लगते ही हैं। जी अभी सर कितना, 1-1.5 महीना? 1 महीना हुआ, हाँ, एक ही महीना हुआ है सर, 1 महीने का रिजल्ट है। तो 6 महीने अगर इनको देंगे ये, तो ठीक होना, तो देखो आयुर्वेद का क्या होता है, आयुर्वेद ठीक तो करता ही है,
उसके बाद जो बीमारी है पलट के कभी जीवन में वापिस नहीं आती, तो दोबारा नहीं होगी इनको बीमारी। आयुर्वेद से ठीक होने का ये कारण होता है। तो बहुत सारे हीरो हीरोइन भाई टीवी पे आते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऐश्वर्या राय आती है, अमिताभ बच्चन आता है, ये खाने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं तो ये बोलता हूं वो झूठ बोलते हैं, असली एडवर्टाइजमेंट ये आपके सामने बैठे हैं, ये गुड़िया बैठी है। खाने में भी डॉक्टर कहते थे कि खाने में भी ऐसी चीज मत दो, न तली हुई चीज दो, न ठंडा चीज दो, यानी सब कुछ इसके लिए मैं परहेज रखती थी। मतलब खाना पीना भी फाउंडेशंस में कर दिया था। बच्चे का देखो, बच्चे का खाना कैसे कंट्रोल कर लेंगे आप? खाना पीना भी कंट्रोल करके ठीक नहीं हो पाए 5-6 साल में, जो 1 महीने में आयुर्वेद ने कर दिया। अब आप बोलेंगे कि विश्वास कैसे करें भाई? विश्वास आपको करना पड़ेगा जैसे आप बाहर कर रहे हो, और ये रियल है आपके सामने जो बैठे हैं। मैंने कोई इनको पैसे नहीं दिए कि 5-7 करोड़ रुपया प्रतिमा जी और नैना जी को दिया है कि आप झूठ बोल के मेरे पर्दे पे चले जाओ, क्योंकि ये हीरो हीरोइन नहीं है भाई, ये आम लोग हैं। मैं भी आम व्यक्ति हूँ, आम लोग हैं हम। आम लोग हम मतलब पैसों के लिए तो झूठ नहीं बोलते और अपने बच्चों के लिए झूठ नहीं बोलते। तो जितने भी साथी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो किसी को भी प्रॉब्लम है तो एलिमेंट वेलनेस और ऑन एंड ऑन के ऊपर विश्वास करके आप इसको इस्तेमाल करें। आप सालों से जिन बीमारियों से परेशान हो वो बीमारियां आपकी ठीक हो सकती हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक्स, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें उन लोगों तक जिनको कहीं ना कहीं ये परेशानी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।